हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स। सो टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2nd ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.2। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2nd, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 2nd में हम लोग को करना क्या है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली, जिसमें हमें सम दिया हुआ है। देखिए पॉलीनोमियल्स के जो भी जीरोज़ हैं उसका सम दिया हुआ है, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सम हमारा फर्स्ट पार्ट में 1/4 है और जीरोज़ जो है प्रोडक्ट जो है -1 है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, दो जीरोज़ हम लोग मान लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू -1 दिया हुआ है। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का क्या होता है, -b/a के इक्वल होता है और ये होता है हम लोग का क्या, c/a के इक्वल होता है। ठीक है, c/a के इक्वल होता है। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे नीचे a 1 है, तो इसको हम लोग इसको हम लोग अब a यहाँ पे 4 हो गया और a यहाँ पे इसको ये अपॉन में 1 रखेंगे तो a यहाँ पे 1 है। तो अब 4 को तो हम बड़े को छोटा नहीं बना सकते, लेकिन छोटे को बड़ा बना सकते हैं। तो अब इस a को ये a जो 1 है इक्वल में, इसको 4 बनाने के लिए हम लोग 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बात बराबर ही हो जाएगा, 1 और 1 इंटू में 4, इसको ऐसे कर देंगे तो हम लोग का -4 अपॉन में 4 हो जाएगा इज़ इक्वल टू c अपॉन में a, -4 अपॉन में 4 इज़ इक्वल टू c अपॉन में a। अब हम लोग का कोई भी पॉलीनोमियल जो है वेरिएबल x में, हम लोग का ax² + bx + c के फॉर्म में होगा, तब a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो a 4, तो 4x² और b यानी कि -b = 1 है, तो b = मैं अलग से भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं अलग से भी आप लिख लीजिएगा, हियर a इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4, b इज़ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए -b = 1 है तो b = -1 हो जाएगा और c = -1 हो जाएगा, तो 4x² + bx, तो b क्या है, माइनस है, तो माइनस एक्स लिखिए, चाहे माइनस एक्स लिखिए, बात बराबर है, तो -1 हम लोग का पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, 4x² - x और माइनस वन, या फिर सॉरी फ्रेंड्स ये जो c है यहाँ पे c - 4 हो जाएगा, यहाँ पे ना c है, c जो है ऊपर है, तो c हो जाएगा यहाँ पे -4, इस वाले को हम लोग कंसिडर करेंगे, इस वाले को ना हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो -4, ये 4x² - x - 4, ये इसका हम लोग का पॉलीनोमियल, हम लोग को जो फाइंड करना था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये हम लोग का आंसर होगा। अब नाउ सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है √2, 1/3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू √2, दोनों का प्रोडक्ट √2 हो गया, इज़ इक्वल टू -b/a। अब अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1/3 इज़ इक्वल टू में c/a हो जाएगा, ये इसको √2/1 लिख लीजिए, तब a यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें √2/1 में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू में √2 × 3/3, तो इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3 √2/3 हम लोग का ये आ गया, -b/a जो है आ गया, तो अब c/a ये हो गया, तो अब जो है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जगह स्पेस, तो a इज़ इक्वल टू हम लोग का a क्या हो, a इज़ इक्वल टू में 3 है, देखिए a इज़ इक्वल टू में यहाँ भी 3 है, a इज़ इक्वल टू में यहाँ भी 3 है यहाँ पे। अब b देखिए -b = √2 है, तो b = -3√2 हो जाएगा, -3√2। अब c इज इक्वल टू में यहाँ पे 1 है, c इज इक्वल टू में 1 हो जाएगा,
तब पी एक्स हो जाएगा हम लोग का, पी एक्स क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर। देखिए थ्री ए क्या है, थ्री, तो थ्री एक्स स्क्वायर। अब बी क्या है, बी क्या है हम लोग का, माइनस थ्री रूट टू, तो माइनस थ्री रूट टू एक्स। अब सी क्या है, सी हम लोग का वन है, तो प्लस वन। हम लोग का ये सॉल्व हो गया, पी एक्स का हम लोग का वैल्यू आ गया यही। इसी तरह मैं सेकंड पार्ट इसका बता दिया हूँ, अब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट में उसी तरह मैं सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं इसको आपको बस दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या है, थर्ड में जीरो कॉमा रूट फाइव है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो है। ये देखिए हम लोग का जीरो कॉमा फाइव हम लोग का रूट फाइव दिया हुआ है, ठीक, जीरो कॉमा रूट फाइव दिया हुआ है थर्ड पार्ट में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज है ज़ीरो, तो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू हम लोग का है रूट फाइव इज इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा हम लोग का ये। तो पॉलिनोमियल ऑन एक्स हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से हम लोग को ये मालूम पड़ रहा है कि हियर ए इज इक्वल टू तो वन हो गया, ए इज इक्वल टू यहाँ पे वन है, वन हो गया, और बी इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस बी इज इक्वल टू, इसको जीरो अपॉन में वन भी लीजिएगा तो भी बात बराबर ही ना वही होगा ना, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था बी माइनस बी इज इक्वल टू में जीरो है तो प्लस बी भी तो जीरो ही रहेगा, माइनस जीरो थोड़ी रहेगा, माइनस जीरो यानी प्लस जीरो, बात बराबर है। और सी इज इक्वल टू हम लोग का रूट फाइव हो जाएगा, तो हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स, जीरो एक्स यानी कि जीरो, उसका कोई टर्म हम लिखेंगे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, और प्लस अंडर रूट फाइव हम लोग का, ये हम लोग का वेरी वेल आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग का फोर्थ पार्ट है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन, मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ फोर्थ पार्ट हम लोग का क्या है, वन कॉमा वन, यहाँ पे दोनों का सम भी वन है और प्रोडक्ट भी वन है, ये मैं इस साइड जितना भी लिख रहा हूँ ये सब समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। तो वन कॉमा वन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन यानी कि माइनस बी अपॉन ए बी वन, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू सी अपॉन में ए बी यानी कि सब चीज़ वन सबका, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन एक्स स्क्वायर, और माइनस बी है तो माइनस बी का हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस एक्स, और प्लस वन, सी इज इक्वल टू प्लस वन है तो प्लस वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, फिफ्थ पार्ट है माइनस वन अपॉन में फोर कॉमा वन अपॉन में फोर, माइनस वन अपॉन में फोर कॉमा वन अपॉन में फोर यही है। तो अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इसको करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि यहाँ पे हम लोग का माइनस वन अपॉन में फोर दिया, माइनस वन अपॉन में फोर यानी कि माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फ़ा बीटा वन अपॉन में फोर दिया हुआ है, और इज इक्वल टू सी अपॉन में ये ए हो जाएगा ये, तो ए यहाँ पे भी फोर, ए यहाँ पर भी फोर, दोनों में फोर है, अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो फोर एक्स स्क्वायर। और बी जो है देखिए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, तो दोनों तरफ का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू वन हो जाएगा, तो इज इक्वल टू एक्स, और प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन, क्योंकि सी भी वन है और बी भी वन है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू फोर दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू फोर है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू वन है, तो इसी तरह माइनस बी अपॉन में ए ये हो जाएगा, और सी अपॉन में ए ये हो जाएगा, तो इसमें भी वन फोर, इसको फोर अपॉन वन कर लिख सकते हैं हम लोग, तो ए इज इक्वल टू वन यहाँ भी, ए इज इक्वल टू वन यहाँ पर भी, और सी इज इक्वल टू वन हो जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस फोर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, बी क्योंकि बी जो है माइनस फोर है तो माइनस फोर एक्स, और प्लस वन प्लस वन हो जाए सी प्लस वन। तो इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड कम्प्लीट होता है, एक्सरसाइज 2.2 कम्प्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जानेंगे और आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे चैनल अक्षत मैथमेटिक्स के संग, बाय बाय टाटा, थैंक यू।